50 रन चाहिए आपको आखिरी 20 गेंदों पर, और राशिद खान के पास बॉलिंग अपनी पांचवी बॉल डालने हैं अपनी ओवर की, और शिवम दुबे बैटिंग कर रहे हैं। इस समय मैच गुजरात टाइटंस की मुट्ठी में है, और अगर यहाँ से राशिद खान एक भी गेंद डॉट डाल दें तो यहाँ मैच राशिद खान अपनी टीम को ले जीत के ले जाएंगे। और यहाँ पर राशिद अपनी दोनों गेंदों पर 2 छक्के खा के एकदम जो मैच जीटी के हाथ में था वो अब वो मैच सीएसके के हाथ में चला गया। उसके बाद मोहित शर्मा अपने पहले 3 गेंदों में तो सुताई खाते हैं, उसके बाद रायडू और धोनी को आउट करके गुजरात की वापसी भी करवा देते हैं। अब बात चली गई है 6 गेंदों में 13 रन की, और बॉलिंग पे है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा की पहली 4 गेंदें आप देखिए प्लेयर के बल्ले पर लगी ही नहीं, छुई ही नहीं, और उसके बाद आखिरी की बात आ चुकी है। अब आखिरी की 2 गेंदों पे चाहिए 10 रन। जडेजा स्ट्राइक में जिनके बल्ले से इस सीजन ना रन आए हैं ना बॉलिंग से उन्होंने ज़्यादा खास किया, दबाव रविंद्र जडेजा पे है, और आपने एक फुल डिलीवरी डाल दी उनकी टांगों के पास, और जिसपे वो सीधे छक्का मार। अगली बॉल अगर आप उनके थोड़ी सी भी बैक ऑफ लेन डाल दें और उनके बॉडी पे रखें और थोड़ी सी गेंद आए तो वो चौका नहीं मार पाएंगे, मैक्सिमम वो चौका या छक्के वाले क्षेत्र में आउट हो जाएंगे। और स्टेडियम बड़ा है, आपको मौका है एक बैक ऑफ डिलीवरी एक बाउंस डालने की, आप अपना जो फील्डर है वो पीछे रख सकते हैं, और आप क्या करते हैं टाऊ की तरफ फुल टॉस गेंद डाल के चौका खाते हैं। और पूरा मैच जितनी आपने अपनी 4 गेंदें जितनी लाजवाब बॉलिंग डाली थी, जिस प्रकार से आपने राइड और धोनी को आउट किया था, आपने जितनी मेहनत की थी सब मेहनत पानी डाल दी, क्योंकि अगर आप सीधी गेंद खा लेते चौका खा लेते तो आप फ्री हिट दे रहे हैं नेक्स्ट के बाहर, और वो भी IPL के फाइनल में इतने अनुभवी बॉलर हो गए तो बहुत बड़ी गलती थी। और देखिए 215 का टारगेट था, तब तक GT बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड में थी, क्योंकि आपको 215 रन बनाने होते हैं आपके 10 प्लेयर को, लेकिन जैसे ही स्कोर 171 दिया गया वैसे ही आपके प्लेयर्स को ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर 200 करने के लिए आपको हर प्लेयर से एक प्लेयर को बड़ी इनिंग 50, 70, 80, 90 रन की दो प्लेयर को खेलनी पड़ेगी, जो 50, 60 ऐसे रन की, पर 171 की होने की वजह से अगर आपके प्लेयर 20-30 रन भी बनाएंगे तो भी स्कोर चेस हो जाता है, और वही काम किया CSK ने। गुजरात की बैटिंग में साहिल सुदर्शन ने लाजवाब बैटिंग करी, उनकी मैं तारीफ करूंगा, कोई बुरी बात नहीं थी, पर हार्दिक पांड्या की खराब बैटिंग थी, 11 गेंदों में 21 रन, और राशिद खान की 2 गेंदों में कोई रन नहीं, 13 गेंदों में आपके 21 रन आए, अगर इसी 13 गेंदों में आपके 40 रन आते तो आपका स्कोर 230-240 होता, और आपको आसानी होती मैच जीतने की, लेकिन आपके जो मेन प्लेयर्स थे कैप्टन थे हार्दिक पांड्या उनकी खराब बल्लेबाजी की वजह से आपका स्कोर ज़्यादा हो नहीं पाया, और आप 214 रन ही बना पाए इस वाले मैच में, और 214 रन मेरे हिसाब से इस पिच के लिए 10 रन कम थे। और जब बारिश आई 4 रन बन चुके थे 3rd गेंद थी ओवर की, तब बारिश आ गई और मैच रुक गया, रीओपन हुआ, तो अब इनकी ओवर भी कम कर दी गई, रन भी कम कर दिए गए, ये आप देखिए 214 से 171 रन कर दिए गए, अब आप 3 गेंदें खेल चुके थे तो आपके 4.3 गेंदें ओवर काटे गए 4.3, तो इसके क्या हुआ कि CSK मार बेशक थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन उनके प्लेयर्स को आसानी हो गई, कि अगर 214 रन चेज करना हो 171 रन चेज करना 15 ओवर में, तो मेरे हिसाब से 15 ओवर में 171 रन चेज करना ज़्यादा आसान था मेरे हिसाब से। और CSK प्लेयर्स ने आप देखिए कौन भी बढ़िया खेले थे, कौन भी क्या आउट होने, देखिए कौन भी बढ़िया खेले थे, पर ऋतुराज गायकवाड़ को राशिद खान ने आउट किया, और फिर नूर अहमद ने कौन भी को आउट करके पूरा मैच में वापसी करवाई। CSK ने अपने गुच्छों में विकेट खोए, ऋतुराज गायकवाड़ और कौनबे का, फिर अब धोनी और उनका दिल ले लीजिए रायडू का, तो एक कहाँ से विकेट गवाते गए, लेकिन उन्होंने पता था कि हमें अजिंक्य रहाणे का कैमियो, अमित रायडू का कैमियो, और फिर एंड में वो जडेजा की बैटिंग थी उसने पूरा मैच का रुख चेंज कर दिया। 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, और आप आज आपने बताया क्यों आपको सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है इंडिया का, तो बहुत बढ़िया। चेन्नई सुपर किंग्स हमारा 5वां IPL टाइटल जीत चुकी है, मुंबई की बराबरी कर ली है, और अगला जीरो होगा कि अभी इन दोनों में से कौन सी टीम छठा IPL पूरा करेगी, या कोई नया छुपा रिश्तों में इस बार आएगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स को मुबारक, इन्होंने अपना 5वां IPL टाइटल जीत लिया है। और प्लीज़ अगर ये आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपना सब बनाए रखिए, और जय हिंद जय भारत।